हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाइनरी सर्च के बारे में बताऊंगा। बाइनरी सर्च होती क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने लिस्ट बना रखी है जिसमें 10, 14, 19, 26, 31, 42, 44 है। अब इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि 14 है या नहीं। तो इस टेक्निक को हम लोग बाइनरी सर्च कहते हैं। एक्चुअली सर्चिंग कई टाइप की होती है, एक तो लीनियर सर्च भी होती है, बाइनरी सर्च भी होती है। लीनियर सर्च के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैंने बाइनरी सर्च के ऊपर बनाया है। फर्स्ट सर्च प्रोग्राम विद टाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ ओ लॉग एन बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंक्वायर डेटा आइटम शुड बी सॉर्टेड ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है, उसको सॉर्ट करना पड़ता है हम लोगों को। आप कोई सी भी सॉर्ट टेक्निक से आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को सर्च करना पड़ता है। सर्च करने का भी कोई तरीका होता है, एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है हायर बाउंड। लोअर बाउंड जिसको जो जीरोथ इंडेक्स जो होता है उसको हम लोग मानते हैं, और हायर बाउंड जो मैक्सिमम जो इंडेक्स होता है, जितनी की भी लिस्ट होती है, 6 की लिस्ट है, 7 की लिस्ट है, 8 की लिस्ट है, उसको हम लोग हायर बाउंड कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग मिड इसके अंदर निकालते हैं। मिड कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है लोअर बाउंड प्लस हायर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी हम जीरो मतलब जीरो इंडेक्स और प्लस हायर इंडेक्स मतलब 6 को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। 3 मतलब थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पर अपन की कौन सी वैल्यू है? 26। तो 26 इसका मिड होगा। फिर इसके अंदर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो इंटरप्रेटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सर्च करने का काम करता है और राइट हैंड साइड की तरफ भी सर्च करने का काम करता है। इसके अंदर ये फाइंड आउट करके कि मान लीजिए कोई नंबर अगर 26 से छोटा है तो वो उल्टे हाथ की तरफ फाइंड आउट करेगा, और अगर वो 26 से बड़ा है तो सीधे हाथ की तरफ फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो आइए हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको और अच्छी तरीके से बाइनरी सर्च टेक्निक को समझते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो प्लीज डेफिनेशन लिखिएगा। बाइनरी सर्च के ऊपर 100% आता है क्वेश्चन, थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी आता है, प्रोग्रामेटिकली क्वेश्चन भी आता है, और कभी कभी स्टेप का क्वेश्चन भी आता है 5 या 6 नंबर का, कभी कभी एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स का, कि जिसमें आप लोगों को बाइनरी सर्च एक तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है और प्रोग्राम भी लिखना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को थ्योरी लिखनी है तो इसमें से आप लोग देख के लिख सकते हैं। बाइनरी सर्च ऑल्सो नोन एज हाफ इंटरवल सर्च, लॉगरिथमिक सर्च और बाइनरी चॉप इज सर्च एल्गोरिथम दैट फाइंड्स द पोजिशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च कंपेयर्स द टारगेट वैल्यू टू द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। आइए हम लोग मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है ऑलरेडी, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब इधर मैंने यहां से लेकर यहां तक का मैंने एक ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है बाइनरी सर्च के नाम से, और उस फंक्शन को यहां पर कॉल करा रखा है। इधर मैंने कॉल करा रखा है फंक्शन को बाइनरी सर्च और उसमें वैल्यू पास करके। और एक लिस्ट भी बना रखी है ऑलरेडी, एल इज इक्वल्स टू 23, 1, 4, 2 और 3, इसके अंदर नंबर ले रखे। फिर उस लिस्ट को मैंने यहां पर सॉर्ट किया एक सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके, l1.sort। l1.sort क्या करता है, इसको सॉर्ट कर देगा। फिर मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कराया तो सॉर्ट करी हुई लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। पहले 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर लास्ट में 23। फिर यहाँ पर एक की नाम का वेरिएबल मैंने ले रखा है, एंटर एनी की टू सर्च। ठीक है, अब जैसे यूजर अगर नंबर एंटर करता है सपोज 3, तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा की फाउंड। और अगर कोई वो ऐसा नंबर इसके अंदर एंटर करता है जो इस लिस्ट के अंदर है नहीं,
सपोज 5, तो की नॉट फाउंड हमारे सामने मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। फिर ये जो लिस्ट है और जो की है वो यहाँ पर जाएगी। सपोज यहाँ पर मैंने की में डाला 3 और यहाँ पर तो लिस्ट ऑलरेडी जाएगी, यहाँ पर वापस से इनिशियलाइज होगी, यहाँ पर की इनिशियलाइज होगी। या लो नाम का वेरिएबल किस लिए लिया है? लोअर बाउंड के लिए। हाई नाम का वेरिएबल मैंने किस लिए लिया है? हायर बाउंड के लिए। अब हायर बाउंड निकाल, लोअर बाउंड ऑब्वियसली बात है जीरो इंडेक्स होता है, तो यहाँ पर मैंने जीरो इनिशियलाइज करा दिया। और हायर बाउंड निकालने के लिए मैंने लेंथ निकाली, इसकी लेंथ नाम का फंक्शन लगा के। लेंथ नाम का फंक्शन क्या काम करता है? लिस्ट की लेंथ निकालने का काम करता है। यहाँ पर मैंने लिस्ट की लेंथ निकाल दी, -1 इसलिए किया है क्योंकि लिस्ट लेंथ जब भी निकलती है तो ज़्यादा की निकलती है। अब जैसे मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो इसकी लेंथ कितने की निकलेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 की लेंथ निकलेगी, बल्कि इसके अंदर 4 निकलना चाहिए, मुझे चौथा इंडेक्स नंबर चाहिए। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर -1 इसलिए किया है क्योंकि हायर बाउंड के अंदर 4 आ जाए। फिर मैंने फाउंड नाम का वेरिएबल किस लिए लिया है? इंडेक्स को फाउंड करने के लिए। अब मेरा बाय डिफॉल्ट जो है कोई इंडेक्स मिला तो है नहीं, तो इसके अंदर मैंने एक फॉल्स कीवर्ड इनिशियलाइज करा दिया है कि अभी हमें कोई की मिली नहीं है। अब लूप किस लिए चला है? क्योंकि पूरी लिस्ट में सर्च करने के लिए कि वाकई में वो नंबर है कि नहीं है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक का चलेगा? लोअर बाउंड से लेकर हायर बाउंड तक, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक? 5 तक। ओके, अब यहाँ पर मिड नाम का वेरिएबल किस लिए लिया है? मिड निकालने के लिए, ताकि ये डिवाइड एंड कंक्वायर के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने शुरुआत में समझाया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड एंड कंक्वायर। डिवाइड का मतलब होता है जैसे अंग्रेज बोल के गए फूड डालो और राज करो, मतलब लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मिड निकाल के और फिर ढूंढता है। तो यहाँ पर मिड लोअर प्लस हायर बाउंड डबल डिवाइडेड बाय 2। डबल डिवाइडेड बाय 2 क्यों लिया? अगर मैं सिंगल डिवाइडेड लेता तो हो सकता था कि मान लीजिए लिस्ट मेरी ऑड नंबर में होती, सपोज ऑड नंबर पे होती, तो यहाँ जैसे कि 5 है, 0, 1, 2, 3, 4, अगर मान लो 5 होती तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता? 4.5 समथिंग आता। तो 4.5 समथिंग टाइप का हमें तो नंबर चाहिए नहीं, हमें तो सीधा साधा इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए। तो डबल डिवाइडेड वाला आप लोगों को साइन आप लोगों को भी मालूम है, सीधी साधी इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करने का काम करता है, रिमाइंडर या डेसिमल में वैल्यू नहीं देता। अब इफ की लोअर बाउंड में अगर उसको निकलती है, मिड में अगर उसको निकल जाती है, तो वो ट्रू फाउंड फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, फाउंड के अंदर ट्रू इनिशियलाइज करा दें। अदरवाइज मान लीजिए की अगर की को हम लोग हायर बाउंड में सॉरी लोअर बाउंड में फाइंड आउट करते हैं, तो जहाँ पर भी वो मिलती है, मतलब लूप तब तक चलते रहेगा, मिड में प्लस होते रहेंगे यहाँ पर। जैसे मिड मिड के पास, जैसे मिड हम लोगों का कौन सा है, ये 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 0, 1, 2, तो 4 मिड है हमारा। तो अब यहाँ पर अब मान लीजिए मैं 3 फाइंड आउट करता हूँ, तो पहले लूप चलेगा तो सेकंड इंडेक्स में ये सेकंड नंबर वाला जो इंडेक्स होता है इस पे आ जाएगा, फिर वापस से लूप चलेगा तो इसके आगे वाले इंडेक्स में यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ही इसको वो नंबर मिलेगा तो लो के अंदर लोअर बाउंड के अंदर वो वैल्यू इनिशियलाइज करा दें। और ये कोड किस लिए लिख रखा है मैंने? हायर बाउंड के लिए, हायर बाउंड में वैल्यू इनिशियलाइज करा दें। यहाँ पर क्या होगा, मिड के अंदर -1 होता जाएगा, मतलब तो उसके नीचे वाले इंडेक्स में यहाँ पर वैल्यू जाती जाएगी। फिर लूप के बाहर मैंने क्या किया है, लूप के बाहर फाउंड अगर ट्रू है तो की इज फाउंड लिखा हुआ जाए, एल्स की नॉट फाउंड लिखा हुआ जाए। आइए इसको रन करा के देखते हैं। अब देखिए ये इंडेक्स मेरे सामने आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, इस सॉर्ट करी हुई लिस्ट आ गई मेरे सामने। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं 3 सर्च करता हूँ तो की फाउंड। अब देखिए वापस से मैं इसको रन कराता हूँ, अब मैं ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ सपोज 5, 5 इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो की नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। अब जैसे कि आप लोगों को देखना है प्रिंट एल, कि अनसॉर्टेड लिस्ट देखनी है आप लोगों को,
तो ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट एल करके रख दिया, सेव किया, देन रन किया मैंने, तो ये तो अनसॉर्टेड लिस्ट है और ये सॉर्ट करी हुई लिस्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी कोड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, हाँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।